हेलो स्टूडेंट्स, इंडस एजु ट्रेन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री और ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज के बारे में। ये क्लास 9 का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है कि हमें ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में क्यों अपना कदम रखना चाहिए और हमारे पास ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या क्या स्कोप हमको दिखाई देते हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, किसी की भी आउटवर्ड अपीयरेंस हमारी आईज को बहुत जल्दी कैच करती है कि बाहर से व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है, उसको लेके हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं। एक पर्सनैलिटी हमारे माइंड में उसकी बैठ जाती है कि बंदा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंटेबल दिखना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब प्रेजेंटेबल हमेशा हर टाइम दिखने की बात आती है तो वहां पर हमारी हेल्प कौन करता है? असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस चीज में, हमें हमेशा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की क्या क्या सर्विसेज होती है, क्या क्या सेवाएं देती है वो हमें, जैसे कि नेल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स। और उन ट्रीटमेंट्स को करने के बाद आफ्टर केयर एडवाइस कि उसके बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब हमें कौन गाइड करता है? एक ब्यूटी थेरेपिस्ट। और जो आपका इस टाइम जॉब रोल है वो एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का है। 9 से 10 तक आपका जॉब रोल है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। जब आप प्लस 1-2 में जाएंगे तो आप वहां पर ब्यूटी थेरेपिस्ट का जॉब रोल प्ले करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ब्यूटी एंड वेलनेस के इंडिया में आज के टाइम में कैसी ग्रोथ है, तो ये बहुत 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 ग्रो कर चुका है इंडिया में। इस टाइम पे ब्यूटी एंड वेलनेस जो सेक्टर है बहुत बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है इंडिया में, एक बिजनेस के रूप में बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अगर 2012-13 की बात करें तो इंडिया में अकेले ब्यूटी एंड वेलनेस का जो बिजनेस था 40,000 करोड़ का बिजनेस था। 2017-18 में ये बिजनेस 80,000 करोड़ का बिजनेस बन गया और ये डे बाय डे 20-30% बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडिया में जो इसके बढ़ने की वजह क्या है, कस्टमर जो हैं, जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो ब्यूटी एंड वेलनेस के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। गांवों से निकल के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारा पैसा प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए लगाते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए लगाते हैं। तो ये चीजें हैं जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर को बढ़ा रही है आगे। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की हमारे इंडिया में, इसलिए इंडिया में आज के टाइम ब्यूटी थेरेपिस्ट, जो ट्रेंड ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। इसलिए अगर आपने ब्यूटी एंड वेलनेस में कदम रखा है तो आपने गलत नहीं रखा है। इस सेक्टर में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। अगर आपका हेयर में हाथ अच्छा है तो आप हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, अगर आपका मेकअप में हाथ अच्छा है तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप हेल्थ एडवाइजर बन सकते हैं, आप ब्यूटी एडवाइजर बन सकते हैं, आप डॉक्टर्स तक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब आप देखते हो आपके घर में एक छोटा सा ही फंक्शन क्यों ना हो, उसके लिए भी हम तैयार होते हैं ना। तो यही चीज
उस तैयार होने को बहुत अच्छे से और प्रोसीजर वाइज हम कैसे तैयार हो सकते हैं, वो सब आप ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आकर सीखते हैं कि सही तरीके से कैसे मेकअप किया जाता है, हेयर स्टाइल कैसे बनाए जाते हैं, हेयर सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, स्किन केयर सर्विसेज कैसे दी जाती है, नेल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, अरोमा थेरेपी तक, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब आपको ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में सीखने को मिलेगा। और जब आप पूरे परफेक्ट हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, अपना सैलून भी ओपन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, इसमें सब सेगमेंट्स क्या हैं। इसके सब सेगमेंट्स हैं ब्यूटी सैलून और हेयर सैलून, रिजुवेनेशन सेंटर्स, फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर्स, इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स, यूनिसेक्स सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये सब इसके क्या है, सब सेगमेंट्स। ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में। और इसका फेमस होने का रीजन क्या है, यंग जनरेशन जो कि बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। आज हर कोई अवेयर है अपने आप को लेके। अगर मैं ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज की बात करूं तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपका इंटरेस्ट जिस सर्विस में है आप उस लाइन को चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको सारा ही वर्क करना पड़ेगा। आप स्किन से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, आप हेयर से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। आपको इसमें आने के बाद योगा भी सिखाया जाता है, एक्सरसाइजेस हर एक चीज के लिए, फेस की एक्सरसाइजेस, हैंड की, फुट की। तो ये सब चीजें आपको ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में सीखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो आप इसको बहुत आगे तक करिएगा, अपना करियर इसमें बनाइएगा, क्योंकि इसमें जाने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप इस लाइन में एंटर होते हैं तो डे बाय डे आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है ये सब्जेक्ट लेके। तो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूंगी और आप अपने सुझाव भी मुझे जरूर दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो पसंद है, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सेफ रहें। इस टाइम कोरोना वायरस जो एक महामारी के रूप में फैल चुका है, अपने हाथों को आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें उनको। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू।